आपने हाथियों पे बड़ी कहावत सुनी होगी और एक जरूर ये सुना होगा कि हाथी पालना आसान है और उसका चारा बड़ा मुश्किल है। बट आज इनोवा ने, माफ कीजिएगा, टोयोटा ने ये सच कर दिया कि हाथी पाल लो एक बार, चारा सस्ता है, क्योंकि इसमें इतना माइलेज है इस गाड़ी को। ये फुली हाइब्रिड कार है और ये माइलेज क्लेम करते हैं ARI माइलेज। सो ये ARI माइलेज देती है 23.24 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में। ये बहुत बड़ा आप बोल सकते हो इनोवेशन है, रेवोल्यूशनरी है इस ट्रेड में कि पेट्रोल में इतना माइलेज मिल रहा है। तो आप हाथी पाल भी सकते हो और इसका माइलेज इतना ज्यादा है कि इसका चारा भी आपको ज्यादा महंगा पड़ने वाला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आदित्य एंड तन्वी ब्लॉग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इनोवा हाईक्रॉस। हमारे सामने इनोवा हाईक्रॉस की ZX मॉडल खड़ी है, इसमें काफी एक्सेसरीज भी लगे हुए हैं, पूरा डिटेल आज कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं इसके की से। तो इस तरह की मिल जाती है, ये देख लीजिए, यहाँ पे लॉक अनलॉक, यहाँ से बूट का एक्सेस और टोयोटा का लोगो। तो इस तरह का की मिल जाता है इनोवा हाईक्रॉस में और इस तरह की गाड़ी का लुक है। तो एक बार आपको पूरा वॉक अराउंड करा देते हैं, फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे आगे से कुछ इस तरह से गाड़ी दिखती है, इस तरफ से अगर आप देखोगे तो इस तरह से लुक आ रहा है, ये देख लीजिए इस तरह का लुक है। अब टोयोटा वो सब लेके आ रही है जो एक आज के टाइम में मॉडर्न कार में चाहिए। तो ये टोयोटा की दूसरी कार है जिसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल रहा है। तो अभी हाईराइडर इन्होंने जस्ट इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद हाईक्रॉस लेके इसमें भी पैनोरामिक सनरूफ मिल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को आगे के लुक के साथ। इस तरह का लुक आ जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे LED में हेडलाइट का प्लेसमेंट मिल जाता है इस तरह। यहाँ पे देखोगे पूरा क्रोम इंसर्ट मिल जाता है, यहाँ पे क्रोम मिल जाता है, यहाँ पे बड़ा सा टोयोटा का लोगो लगे हाथ। आपको ये बता दूं यहाँ पे कैमरा मिल जाता है और यहाँ पे ही इसका एडास फीचर प्लेस किया गया है। तो इसमें एडास भी आता है, एडास आता है, पैनारोमिक सनरूफ आता है। इतनी फीचर रिच कार है, आपको एक एक डिटेल बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखना, आपको मजा आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। यहाँ पे इसका DRL है जो पूरा LED में है। और एक चीज आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बता दूं, इसमें फॉग लैंप भी लगा हुआ है। यहाँ पे फॉग लैंप आता है, मैं एक बार ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख लीजिए, ये पूरा LED यहाँ पे जल रहा है। यहाँ पे पार्किंग, इसी में पार्किंग लैंप भी मिल जाता है इसी में, और ये DRL भी हो जाता है। और इस तरह का यहाँ पे देख लीजिए फॉग लैंप ये भी LED में मिल जाता है। इस तरह से गाड़ी दिखती है लाइट ऑन होने के बाद, जो बहुत ही प्रीमियम लग रही है। इसको करते हैं बंद, LED टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये बढ़िया सा एक ग्रिल, यहाँ पे क्रोम इंसर्ट, यहाँ पे क्रोम इंसर्ट, यहाँ पे नंबर प्लेट का प्लेसमेंट आ जाएगा, यहाँ पे स्किड प्लेट लगी हुई है। इस तरफ बड़ा सा बोनेट एरिया, यहाँ पे इनोवा की बैजिंग, बड़ा सा बोनेट एरिया। अब आपको साइड प्रोफाइल में लेके आते हैं। यहाँ पे आप देखोगे हाइब्रिड है, क्योंकि ये फुल हाइब्रिड है, ZX मॉडल है, हाइब्रिड की बैजिंग। यहाँ पे क्रोम फिनिश, अफकोर्स ये पार्ट ऑफ एक्सेसरीज है। यहाँ पे आपको LED टर्न इंडिकेटर, और यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे कैमरा का प्लेसमेंट है, क्योंकि इसमें 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है। अब बात करते थे, कर लेते हैं पिलर वाइज। तो ए पिलर जो है वो बॉडी कलर मिल जाता है, बी पिलर ब्लैक मिल जाता है, और सी पिलर की अगर बात करें तो ये ब्लैकआउट होके और यहाँ पे क्वार्टर ग्लास मिल जाता है। टायर प्रोफाइल की अगर बात करें इस गाड़ी का, तो इसमें आपको मिल जाता है 2550 R18। तो 18 इंच के अलॉय व्हील मिल जाते हैं और चारों में डिस्क ब्रेक मिल जाता है, और ये पूरा एलॉय मिलता है प्रॉपर। यहाँ पे बीच में टोयोटा का लोगो और चारों में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, आपको स्टेबलेस टायर मिल जाता है। तरह की क्लाइडिंग हुई पड़ी है और एक क्लाइडिंग नीचे होते हुए पूरा पीछे जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे पार्ट ऑफ एक्सेसरीज है, यहाँ पे इनोवा की बैजिंग है। बॉडी कलर डोर हैंडल मिल जाते हैं, ऊपर से क्रोम इंसर्ट है, यहाँ पे क्रोम इंसर्ट है। ये देखिए इस तरह से गाड़ी का लुक है, और ऊपर बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है इस गाड़ी में। 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो आपको फील कराएगा SUV का। और मैं आपको कह रहा था चारों व्हील में डिस्क ब्रेक मिल रहे हैं, इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ, चारों व्हील में डिस्क ब्रेक मिल जाता है और बहुत बढ़िया सा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। अगर गाड़ी की लेंथ की बात करें तो गाड़ी का जो लेंथ है 4755 mm का है। विड्थ की बात करें तो 1845 mm का है यहाँ से अगर देख लो आप, और हाइट है 1795 mm टू बी वेरी प्रिसाइज। तो अगर आप हाइट देखोगे गाड़ी की तो ऑलमोस्ट मेरे यहाँ तक गाड़ी आ रही है, तो हाइट भी काफी बढ़िया है। और अगर आप पीछे से देखोगे तो जो इनोवा की लेगेसी है वो कैरी ऑन हो रही है, कैरी फॉरवर्ड हो रही है। तो इस तरह की पीछे से गाड़ी का लुक है। अब बात करते हैं पीछे क्या क्या आपको मिल जाता है। एक तो आपको ये LED में टेल लैम्प मिल जाते हैं, यहाँ से आपको रिवर्स की लाइटिंग मिल जाती है रिवर्स गियर की। यहाँ पे ZX की बैजिंग, यहाँ पे हाइब्रिड S की बैजिंग, बीच में टोयोटा का लोगो, डिफॉगर, वॉशर, वाइपर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प,
साकफिन एंटीना, तो सब कुछ गाड़ी में मिल जाता है। रूफ रेल, आपको जितनी फीचर है तो बाहर बता रहे, अंदर की फीचर आप देखोगे तो विल बी सरप्राइज। यहाँ पे स्किड पैड लगी हुई है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं और पार्किंग सेंसर लगे हुए हैं चार। ये गाड़ी जो ZX मॉडल है आती है 6 एयरबैग के साथ, जो टॉप के दोनों मॉडल है उसमें 6 एयरबैग मिलते हैं, उसके नीचे अगर आप जाते हो तो 2 एयरबैग मिलते हैं। ये थोड़ा सा मुझे कॉम्बिनेशन ठीक नहीं लगा, एटलीस्ट एयरबैग 6 तो सब में ऑफर करना चाहिए था। अब इसका फंक्शन दिखाते हैं आपको, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, ये देख लीजिए ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। यहाँ पे आपको जो बूट मिलता है वो 300 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। और एक बड़ी बात आपको यहाँ बता दूं कि थोड़ा सा यहाँ पे भी आपको स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे भी आप छोटे मोटे सामान रख सकते हो, यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है, यहाँ पे JBL का सब ऑफर मिल जाता है, ये देख लीजिए यहाँ पे JBL का ऑफर मिल जाता है। इसके साथ ही ये सीट 60-40 स्प्लिट होती है, तो अगर आपको बूस्ट पैक बढ़ाना है तो आप इसको होल्ड कर सकते हो। मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें हेडरेस लगे हुए हैं, तो ये पूरा आपका बूस्ट पैक बढ़ जाएगा। जस्ट टू शो यू गाइस, तो आपका बूस्ट पैक इस तरह से वहां तक चले जाएगा। तो करते हैं बंद और बढ़ते हैं आगे। अब इसको वापस से मैं सिर्फ टच करूंगा, आप देखिएगा और ये सेंस कर लेता है और ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे भी कैमरा का प्लेसमेंट मिल जाता है, जैसे मैंने आपको बताया 360 डिग्री कैमरा है गाड़ी में। यहाँ पे टोयोटा का लोगो, काफी चीजें कवर कर चुके हैं। और आपको दिखा देते हैं बाहर से पैनोरामिक सनरूफ, तो इतना बड़ा सा सनरूफ एरिया मिल जाता है यहाँ पे, ये देखिए पैनोरामिक सनरूफ जो काफी बड़ा, यहाँ से वहां तक पूरा मिल जाता है आपको। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, इनोवा की बादशाहत कायम है और ये इनोवा हाईक्रॉस है, इनोवा की लिगेसी को फॉलो कर रहे हैं, ये भी इसकी भी बादशाहत कायम रहने वाली है। एक बार आपको इंजन दिखा देते हैं, फिर गाड़ी के अंदर ले जाते हैं और अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। इंजन का प्लेसमेंट आपको दिखाते हैं, इस तरह से इंजन का प्लेसमेंट है। तो ये पूरा हाइब्रिड कार है और उसके हिसाब से डिजाइन किया गया। और इसका इंजन रिप्लेसमेंट की अगर मैं बात, सो हाइब्रिड इंजन जो है 1987 सीसी का है, जो पावर प्रोड्यूस करता है 184 bhp और 188 nm का टॉर्क जनरेट करता है। और ये पावर जो है पेट्रोल से और बैटरी से दोनों लेता है। और ये CVT ट्रांसमिशन है जो फुली ऑटोमेटिक है, आपको पता होगा CVT का, उसका भी डिटेल हम डाल देंगे यहाँ पे। इस तरह का इसका प्लेसमेंट है, काफी बढ़िया पैकेजिंग है यहाँ पे, देख लोगे आप इंजन का, और कहीं से भी जगह ऐसा खाली नहीं दिख रहा है, प्रॉपर पैक किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे डैम्पिंग की हुई है प्रॉपर, ताकि ये हीट ना हो बोनेट और इंजन की नॉइज आपको अंदर ना जाए। तो इस तरह का कुछ इंजन का प्लेसमेंट है, जो टोयोटा का 2 लीटर का इंजन है। अफकोर्स टोयोटा काफी रिलायबिलिटी में यकीन करती है, तो रिलायबल भी होगा, काफी हैवी है ये, इसके लिए तो इनको हाइड्रोलिक देना चाहिए था। बंद करते हैं इसको, लेके चलते हैं गाड़ी के अंदर और दिखाते हैं बाकी के डिटेल्स। लाइट थोड़ी सी कम है, प्लीज मैनेज कीजिएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पूरा लेबरेट फिनिश मिलता है, बीच में क्रोम मिलता है, और यहाँ से आपके सीटिंग का एडजस्टमेंट जो है सीट का, ये फुली इलेक्ट्रॉनिक सीट है जिसको आप यहाँ से सेट कर सकते हो। 2 मोड है यहाँ पे, अगर आप देखोगे लॉक अनलॉक, चारों पावर विंडो के कंट्रोल, यहाँ पे आपके ORBM के कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हो, यहाँ पे अच्छा सा हैंडल मिल जाता है, तो यहाँ पे अगेन JBL का स्पीकर का प्लेसमेंट मिल जाता है। अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिकली इसको आप रिक्लाइन कर सकते हो, और यहीं से आप आपका हाइट, आपके हाइट के अकॉर्डिंगली सीट को भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसके हाइट एडजस्टमेंट भी सीट में आती है। साथ ही आपको बता दूँ, ये जो सीट है दोनों फ्रंट की सीटें हैं, ये वेंटिलेटेड सीट यहाँ पे आती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे लेदर फिनिश मिल रहा है, इस तरह का स्टेयरिंग मिल जाता है। अंदर से आपको डिटेल को कवर करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ से पावर बटन है, तो मैं गाड़ी को करता हूँ स्टार्ट। अब ये काफी साइलेंट है कार, पार्किंग मोड पे है, ये देखिए अभी यहाँ से हमारा पैनोरामिक सनरूफ ओपन हो रहा है, गाड़ी को डाल दिया पार्किंग पे। इस तरह का स्टेयरिंग है, और जो हाइट है मेरी हाइट है 6 फुट, और मैं अगर आपको यहाँ से दिखाऊं तो मेरे को पूरा बोनेट विजिबल है। तो एक चीज है कि आप जो इनोवा में बैठते थे थोड़ा नीचे बैठते थे, और यहाँ पे काफी आप हाइट पे बैठ रहे हो। दूसरी बड़ी चीज, बहुत प्यारी सी स्टेयरिंग है, इसमें आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट मिल जाते हैं, ये देख लीजिए आप। तो अभी इसको यहाँ पे करते हैं फिक्स, पता है यहाँ पे आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं, जहाँ से आपके ऑडियो वीडियो के कंट्रोल कर सकते हो, फोन रिसीव कर सकते हो, यहाँ पे हॉर्न का प्लेसमेंट मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पे एक डोंगल आपको मिल जाता है टर्न इंडिकेटर, और बाकी इसके लिए यहाँ पे आपको हेडलाइट और टर्न इंडिकेटर का यहाँ पे मिल जाता है, वाइपर के कंट्रोल यहाँ पे मिल जाते हैं, यहाँ पे आप प्लस माइनस वॉल्यूम पे कर सकते हो। तो इस तरह का फीचर है गाड़ी का। गाड़ी अभी स्टार्ट है, विंडो को करते हैं बंद। सो इस तरह से गाड़ी, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मैं डालता हूँ गियर टल, यहाँ पे देखिए 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है आपको, यहाँ पे ये रिवर्स
पे मैं पार्किंग पे हूँ, इस तरह का यहाँ पे सेटअप मिल जाता है। और यहाँ पे अगर मैं व्यू को, यहाँ पे सारे फंक्शन आपको ये वाला मैं बता देता हूँ। एक तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं मोड, ड्राइव मोड, ईवी मोड, स्पोर्ट्स मोड, यहाँ पे देखोगे पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, तो चार मोड आपको ऐसे मिल जाते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिल जाता है पार्किंग के लिए यहाँ पे दिया हुआ। और यहाँ पे अगर मैं व्यू पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए आप 360 डिग्री व्यू मुझे मेरी गाड़ी का मिल रहा है। यहाँ पे यहाँ से सारे व्यू आप देख सकते हो। ये देखिए आप, एक चेक सराउंडिंग फॉर सेफ्टी। और एक चीज आपको बता दूं, चूंकि ये गाड़ी में एडास आता है तो एडास क्या करता है, लेन असिस्ट और बाकी चीजें तो होती है, इसके साथ अगर कोई ब्लाइंड स्पॉट है तो ओवर बीएम पे यहाँ पे वो आपको दिखने लगता है और ओवर बीएम पे इंडिकेट करने लगता है। नॉर्मली जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो ब्लाइंड स्पॉट्स के कारण बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये उसको भी एडास जो है वो कवर कर लेता है। लेदरेड स्टेयरिंग मिल जाती है, यहाँ से आपको पावर बटन मिल जाता है, यहाँ पे आपको चार्जर मिल जाता है, यहाँ पे आप टाइप सी लगा सकते हो, यहाँ पे नॉर्मल चार्जर का ऑप्शन है, यहाँ पे दो कप होल्डर मिल जाता है, दो कप होल्डर यहाँ पे, और यहाँ पे मिल जाता है आपको आर्मरेस्ट जो इस तरह से खुलता है, इसके अंदर स्टोरेज मिल जाती है। बीच में क्रोम फिनिश दिया हुआ है जो काफी अच्छा लग रहा है, अच्छा सा लुक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, फ्रंट का अलग कंट्रोल कर सकते हो, रियर का अलग कर सकते हो, यहाँ पे आपका हजार्ड लैंप का मिल जाता है कंट्रोल। यहाँ से आपका जो ये पूरा सिस्टम है, इनका म्यूजिक सिस्टम है टच स्क्रीन वाला, इसका जो पूरा सेटअप अगर आप देखोगे इस तरह से, ये काफी बढ़िया बन पड़ा है। और गियर का बड़ी बात है, नॉर्मली गियर यहाँ पे मिलता है, ये जगह बचाई गई है और यहाँ पे शिफ्ट किया गया है, यहाँ से गियर मिलता है। और इसका लुक जो है वो काफी बढ़िया है, बीच में यहाँ पे सिल्वर फिनिश दिया गया है, ये सॉफ्ट टच है, यहाँ से इसको प्रेस करना है तो ये काफी सही दिखता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है वायरलेस चार्जिंग, यहाँ पे आपको डिसेंट सा ग्लो बॉक्स मिल जाता है, नॉट डिसेंट, काफी बड़ा लग रहा है, यहाँ पे भी आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा लेटर फिनिश मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्रोम मिल जाती है सिल्वर कलर की, यहाँ पे एसी वेंट मिल जाता है, यहाँ पे दो एसी वेंट मिल जाते हैं और एक यहाँ पे एसी वेंट मिल जाता है। बाकी जो यहाँ पे जो डैशबोर्ड का एरिया है ये डुअल टोन में है, बीच में लेदरेड फिनिश है और ये ब्लैकआउट ब्लैक है और काफी अच्छा मटेरियल का है। और यहाँ पे JBL का, यहाँ पे JBL का ट्विटर मिल जाता है आपको और इस तरफ भी मिल जाता है। और स्पीकर हमने आपको बता दिए। अब आते हैं इस तरफ, IRVM जो है वो ऑटो कंट्रोल है, ऑटो डिम IRVM है, जो काफी बढ़िया लुक भी दे रहे हैं और बहुत बढ़िया सा एरिया कवर कर रहे हैं, इसका व्यू काफी बढ़िया है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ के कंट्रोल, यहाँ पे लाइटिंग के कंट्रोल, ये पूरा LED लाइट मिल रही है, इसका कंट्रोल मिल जाता है, ऑन ऑफ ये सब आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे सनरूफ की अगर बात करूँ तो काफी बड़ा सा एरिया यहाँ पे मिल जाता है। इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है और यहाँ पे लाइट भी मिल जाती है, यहाँ पे आपका माइक का प्लेसमेंट है, इस तरफ भी आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है विथ लाइट, ये काफी बढ़िया चीज है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है ड्राइवर के लिए, यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है। अब बात करते हैं इस सीट की एडजस्टमेंट की, तो ये सीट की जो एडजस्टमेंट है ये मेमोरी एडजस्टमेंट है, तो जैसे ड्राइवर चलाया और बाद में कोई और बैठा वापस में, वहां पे आया ड्राइवर बैठा अपनी जगह पे, वो मेमोरी को ऑन कर देगा, ऑटोमेटिकली जाके वहां पे वो सेट हो जाएगा। कहते हैं स्टीयरिंग काफी प्यारी लग रही है मुझे, गाड़ी चलाने में देखने में काफी सही है, मैंने थोड़ा ड्राइव भी किया, आगे का लुक काफी बढ़िया लग रहा है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प है। यहाँ पे अगर आप हेडलाइट का देखोगे तो यहाँ पे ऑटो रखोगे तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, यहाँ से आपको मैनुअल ऑपरेशन भी करने तो यहाँ से कर सकते हो आप, यहाँ से सेट वगैरह ये मोड्स है। तो अभी यहाँ पे पीछे किसी ने खोल दिया हुआ है तो ये देखिए वहाँ का वो भी व्यू दिखा रहा है। ओके, तो काफी कुछ चीजें कवर कर ली, यहाँ पे सीट बेल्ट का प्लेसमेंट है, आपको लेके चलते हैं पीछे के रो में और वो दिखाते हैं बाकी चीजें। गाड़ी बहुत साइलेंट है गाइस। सीट की अगर मैं बात करूँ तो काफी ज्यादा चौड़ी है और थाई सपोर्ट की क्या बात करूँ बहुत बड़ा है, यहाँ पे एरिया काफी चौड़ा और सुडौल लग रहा है, यहाँ पे हेडरेस्ट है, तो ये आपको लंबे दूरी की यात्रा के लिए आरामदायक होने वाला, ये गाड़ी थकाने वाली आपको नहीं है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ, एक डेड पैडल आपको मिल जाता है, ब्रेक मिल जाता है, एक्सीलेटर मिल जाता है, तो यहाँ पे तीन चीजें मिल जाती है, यहाँ से आपके बोनेट के एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पे आपके हेडलाइट्स के कंट्रोल्स है, यहाँ से आपके बूट के कंट्रोल्स है। तो आपको लेके आ रहे रियर सीट पे, रियर सीट की एक चीज आपको बता दो खासियत, तो यहाँ से आपको जो है यहाँ से ये एडजस्टमेंट मिलता है आपको, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट होता है, यहाँ से देख लीजिए। और यहाँ से एक चीज जो निकलती है भैया, ये देखिए ये, तो ये राजा महाराजा वाली फील आपको कराएगी टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस, ये देख लीजिए यहाँ से ये बंद हो जाएगा इस तरह से, ये काफी बढ़िया चीज है। एक बार मैं और करके दिखाता हूँ, ये पूरा बाहर आ जाएगा तो आप पूरा अच्छे से मजे से आपकी यात्रा कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे मैं सीट पे बैठा हुआ हूँ, मैं काफी मेरी जो मेरे हाइट के अकॉर्डिंगली ड्राइवर सीट एडजस्ट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरा अगर लेगरूम की मैं बात करूँ तो इतना बढ़िया सा लेगरूम मिल रहा है यहाँ पे। और ये अगर मैं इसको एकदम आगे ले लेता हूँ, तो ये मैं एकदम आगे ले लिया तो भी अगर आप देखोगे मेरी सीट आगे का थोड़ा ज़्यादा पीछे का रखा हुआ, एक सर बैठ गए थे तो भी मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे रूम मिल रहा है,
और अगर मैं इसको प्रॉपर यहाँ तक ले लेता हूँ तो मेरे को बढ़िया डिसेंट सा लेगरूम मिल रहा है। अब एक चीज़ जो है इसका जो करिश्मा है वो आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैं पूरा पीछे कर लेता हूँ ताकि आपको फंक्शन पूरा दिखा पाऊँ। यहाँ से ये पूरा ऐसे हो गया। अब मैं इस सीट को जो है यहाँ पे देखिए मैं पूरा पीछे चले जाता हूँ, तो अगर मुझे लंबी दूरी की यात्रा करनी है, सीट तो काफ़ी चौड़ी है, ये देखिए स्पेशियस है, और यहाँ से एसी वेंट चालू है। यहाँ पे आप अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको एसी वेंट मिल जाता है, यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है, एसी वेंट, ये पूरा मेरे मुँह पे एसी आ रहा है। देख लीजिए इस तरह का गाड़ी का फंक्शनलिटी है। मैं उड़ जाता हूँ, नहीं तो मैं लेजी हो जाऊँगा तो वीडियो शूट कैसे होगा। ये देखिए ऑटोमेटिकली आ रहा है पीछे, और ये मैं यहाँ से भी नीचे कर रहा हूँ, तो अगर आप देखोगे इस तरह का फंक्शनलिटी मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये एक सर मिले हैं जो प्राउडली इनोवा क्रिस्टा ओनर है और ये वापस लेना चाहते हैं, इस गाड़ी के लिए आए हैं। और ये है हमारे टोयोटा मिलेनियम के एग्जीक्यूटिव जो काफी इनोवा और फॉर्चूनर बेच चुके हैं। सर कैसा था आपका एक्सपीरियंस क्रिस्टा का? बहुत अच्छा। और ये गाड़ी कैसी लगी? तो बहुत अच्छा है, अभी हम तो टेस्ट में 31 तारीख को ही कम से कम 2000 किलोमीटर रन करके आए। ओह वेरी गुड। और 1600 किलोमीटर ओनली, समझे कि हमने 1600 घंटे में रन किए। और ये गाड़ी आपको देख के कैसे लगी? बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन गाड़ी है। अब चलने के बाद रोड पे कैसा हो तो चलाने के बाद मालूम पड़ेगा, बस दिखने लुक वाइज में तो बहुत ही बेहतरीन है। चलिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आपने हमें समय दिया इतने तने ब्लॉक को। यहाँ पे अगर आप देखोगे ग्रैब हैंडल, यहाँ पे एसी वेंट, यहाँ पे आपको वापस लाइट मिल जाती है, ये देख लीजिए। तो मैं ऑन करके रखता हूँ, यहाँ पे हुक मिल जाता है, अगर आपके सूट कोट है उसको आप होल्ड कर सकते हो। इस तरह का अगर बीच में मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है, ये देखिए आर्मरेस्ट मिल जाता है और ये भी ओपन होता है, देख लीजिए। तो अगर आप कुछ खा पी रहे हो तो यहाँ पे आपके दो कप होल्डर आ जाएंगे, यहाँ पे आप कुछ सामान रख सकते हो। बंद हो गया ये। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ से एसी के कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ से एसी का कंट्रोल मिल जाता है रेयर पैसेंजर का। यहाँ पे दो चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, तो ये मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको एसी के कंट्रोल मिल गए, ऑटो ऑफ और फैन स्पीड आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक हुक मिल जाता है जो 4 किलो तक का होल्ड कर सकता है, 4 किलो तक के सामान आप यहाँ पे रख सकते हो। यूटिलिटी को लेकर काफी ख्याल रखा गया है। यहाँ पे भी लेटरेट फिनिश मिल रहा है और ये आपको कर्टन्स यहाँ पे मिल जाते हैं, ये देखिए। तो ये आपके हिसाब से जैसे आपको चाहिए लगा सकते हो, नहीं चाहिए तो आप निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाता है पावर विंडो के कंट्रोल, यहाँ पे बॉटल होल्डर, यहाँ पे थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स और यहाँ पे स्पीकर का कंट्रोल। इनोवा क्रिस्टा में जैसे सीट टंबल होती है, यहाँ पे वैसे नहीं करना है, यहाँ पे सिस्टम कुछ अलग है। क्या है, मुझे इस सीट को आगे ले लेना है, यहीं से मुझे अंदर जाना है, यहाँ से मुझे जाना है थर्ड रो में। अब मैं आ गया थर्ड रो में, सो व्हाट आई विल डू इज, थोड़ा सा यहाँ पे अंधेरा है तो मैं लाइट को ऑन कर देता हूँ। ये मैं आ गया थर्ड रो में। अब हम क्या करेंगे, इस सीट को नॉर्मल पोजीशन पे एडजस्ट कर लेंगे। सो नॉर्मल अगर कोई बैठ रहा आगे तो उसकी जगह लेगा। मेरी हाइट है 6 फुट, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, आप देख लीजिए। तो मेरे को डिसेंट से हेडरूम मिल जाता है, कोई कंप्लेन नहीं है, बट मैं बैठ सकता हूँ। थाई सपोर्ट की अगर बात करूँ तो देख लीजिए इतना ही मुझे मिल रहा है, इतना मिल रहा है। लेगरूम मुझे मिल रहा है डिसेंट सा, थोड़ा इसको और भी पीछे कर लूंगा तो लेगरूम मिल रहा है। अच्छा, इसको यहीं से मैं आगे पीछे भी कर सकता हूँ, ये देखिए यहाँ से मैं इस सीट को अपने हाइट के हिसाब से, आगे वाले के हिसाब से मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूँ। इसको मैंने लॉक कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिसेंट सा यहाँ पे क्वार्टर ग्लास मिल रहा है, जो थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, बट ठीक है, चूंकि आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल रहा है, यहाँ इतना सब ग्लास एरिया मिल रहा है, इतना कोई सफोकेशन जैसा कुछ फील नहीं होगा। तो फोल्डर मिल जाते हैं, बॉटल्स वगैरह रख सकते हो, थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे आप रख सकते हो। सिमिलरली अगर मैं इस तरफ बैठता हूँ तो यहाँ पे देख लीजिए ये जगह मिल रही है, यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, यहाँ पे दो कप होल्डर मिल जाते हैं, यहाँ पे थोड़े बहुत सामान रख सकते हो, यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल मिल जाता है, यहाँ पे भी, और बड़ी बात है कि यहाँ पे भी आपको एसी वेंट मिल जाता है थर्ड रो में भी। तो थर्ड रो में जो लोग बैठने से कतराते थे, ऐसे उनको कोई इश्यू होने वाला नहीं है। तो गाड़ी से अंदर से अगर बात करूँ, नॉर्मल बात करूँ, काफी फीचर रिच कार है। फिट एंड फिनिश की बात करूँ, ओवरऑल इसकी बात करूँ तो काफी बढ़िया है, कोई इश्यू नहीं है। अब इस सीट्स को मुझे बाहर निकलना है, तो मैं क्या करूंगा, अगर ये पैसेंजर यहाँ पे नहीं है, मैं थर्ड रो में बैठा हूँ, मुझे करना ये है, मैं यहाँ से पूरा इसको आगे कर दूंगा, यहाँ से गेट को खोल लूंगा। थोड़ी बहुत मेहनत भरी चीज लग सकती है, बट इतना भी कुछ नहीं है। यहाँ से मैं आ जाऊंगा बाहर। अब आपको लेके चलते हैं पीछे की तरफ। लीडी का जो प्लेसमेंट है इस तरह से ये जलता है, अब इसको मैं टच करता हूँ, मुझे ओपन करना है। ये फीचर मेरे को बड़ा प्यारा लगा। 360 डिग्री कैमरा मैं आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ से अगर आप देखोगे तो निकाल देते हैं, तो यहाँ से इस तरह का लुक गाड़ी का, इस तरह का लुक गाड़ी का पूरा कैबिन का आता है।
जो काफी प्रीमियम लुक देता है, काफी बढ़िया गाड़ी दिखती है और सनरूफ खुला हुआ है तो और ही प्यारी लग रही है। से ऑटोमेटिकली बंद हो गया। यहाँ पे कैमरा का प्लेसमेंट मैंने सारा आप लोग को दिखा दिया है। यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूँ, यहाँ पे जो सिस्टम दिया हुआ है यहाँ पे आपको मिल जाता है, ये JBL का म्यूजिक सिस्टम है। इसमें आपको एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो कार दोनों मिल जाता है। इसमें आपको काफी सारी फैसिलिटीज नॉर्मल मिल जाती है। ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये पूरा डिजिटल है, कंप्लीट डिजिटल मिलता है। तो यहाँ पे आपको जो कुछ भी है वो पूरा डिजिटली ऑपरेट होता है। यहाँ पे मैंने आपको मोड सारे बता दिए, कैमरा के मोड्स यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे भी आप देखोगे मोड्स जो है और गियर पैटर्न कैसे है वो मैंने आपको दिखा दिया। तो एक बार मैं आपको इसका फंक्शनलिटी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये गियर हो गई और ये पार्किंग पे चली गई। इस तरह का फंक्शनलिटी इस गाड़ी में मिल जाती है। आप देखोगे तो RBM के कंट्रोल्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल भी है, एडजस्टेबल भी है। काफी बढ़िया ओवरऑल गाड़ी को अगर मैं कितनी तारीफ करूँ कम है, गाड़ी काफी बढ़िया है। एक बार आपको बाहर चल के ओवरऑल फीचर को रिपीट कर देते हैं और वीडियो को फिनिश करते हैं। कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आदित्य एंड तन्वी ब्लॉग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप लेना चाहते हो टोयोटा की कोई भी कार, चाहे इनोवा हाईक्रॉस, इनोवा क्रिस्टा, फॉर्चूनर, हाई राइडर, ग्लैंजा, तो आप जरूर विजिट कर सकते हैं। मिलेनियम टोयोटा जो डोंबिवली और सिलफाटा के बीच में है और काफी पुराना डीलर है, और यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो मिस्टर प्रशांत को। कॉन्टैक्ट नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, यहाँ पे उनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो।